हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट ऑर्किड के ऊपर बनाया है। ऑर्किड एक बहुत ही रेयर और ख़ूबसूरत फ्लावर है जो कि देखने में अति सुंदर लगता है, और इसके साथ ही इसकी स्टिक्स जो हैं 20 से 25 दिन तक अगर हमारे गार्डन में लगा हो तो स्टे करती हैं। ये प्लांट, इसको अगर हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत ही, इसका जो इसकी मेंटेनेंस है वो बहुत ही कठिन होगी या इसको रख पाना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको हमने ठीक प्रकार से इसकी पॉटिंग की हो और इसको सही मेथड से इसको पानी दें तो ये बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है और ये देखने में भी उतना ही सुंदर है। अब मैं आपको इस वीडियो में ऑर्किड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ डिटेल में। ऑर्किड रेन फॉरेस्ट में उगने वाला ये प्लांट है। रेन फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े पुराने पेड़ होते हैं उनके जो मोटे नीचे तने होते हैं उसमें से ऑर्किड की ये शाखाएं और जड़ निकलती हैं और उसमें इसके फ्लावर्स लगते हैं। साथ ही रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ों से जो छन कर हल्की सी धूप आती है उसमें इसकी जो ये आपकी स्टिक्स हैं ये ब्लूमिंग करती रहती हैं। तो जब ये हम लोग अपने गार्डन में लगाने के लिए लाते हैं तो हमें इसे वही इन्वायरमेंट देना पड़ता है। तो चलिए ऑर्किड के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन कीजिए प्रेस। तो चलिए जानते हैं ऑर्किड की रीपॉटिंग के बारे में, इसको इसकी वाटरिंग के बारे में और इसमें हम क्या फर्टिलाइज़र दें, इस बारे में डिटेल से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्किड का जो पॉटिंग मीडिया होता है इसमें हम सॉइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सॉइल लेस जो है इसका पॉटिंग मीडिया तैयार किया जाता है। तो इसमें मैंने चार चीज़ें ये ली हैं। इसमें जो ये लिया है ये मैंने, ये कोको हस्क है, जो कोको जो आपका सूख जाता है नारियल, उसके ये टुकड़े हैं, एक इसका प्रयोग करते हैं हम। दूसरा जो है ये चारकोल का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे जो लकड़ी के कोयले के टुकड़े होते हैं उनका, या तो ये आपको किसी जहाँ पर लकड़ी का कोयला जलता हो वहाँ से मिल जाएगा या ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया है। इसके साथ ही हम इसमें ये रेड ब्रिक्स के टुकड़े भी यूज़ करते हैं इसको जब पॉट करते हैं। और ये साथ में जो है ये बार्क है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे जो छाल लगी होती है उसको जो है हम उसके ऊपर से निकाल लेते हैं और उसको जो है वो धो के एक दिन, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई भी फंगस कीड़ा कुछ ना रहे, उसको एक दिन सुखा लेते हैं। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो उसको इसके पॉटिंग मीडिया में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए जो ये आपका ऑर्किड प्लांट है ये इस तरीके की बास्केट्स में लगा हुआ मिलता है। वैसे जो हमारे गमले होते हैं उनमें केवल नीचे होल होता है, पर जो ऑर्किड है इसको जो है इसकी जड़ों को बहुत अधिक एयर की ज़रूरत होती है। इनको ये इनको कॉम्पैक्ट सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं है और ये जो है ये एयर जो है एयर को पसंद करती हैं, तो इसलिए इसमें होल वाले हम इस तरीके के पॉट्स इस्तेमाल करते हैं, या अगर ये ना हो तो आप कोई भी ऐसे जिसमें कि होल हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि इसकी जड़ों को पूरी हवा मिलती रहे। अब ये जो मेरे मैं ये एक देखिए ऑर्किड का ये प्लांट है, ये इसी छोटे से ही गमले में लगा हुआ था, लेकिन आज मैं इसकी रिपोर्टिंग जो है वो बड़े गमलों में इसी पॉटिंग मीडिया से करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कठिन नहीं है, बहुत आसान है और इसकी जड़ों को आसानी से रख के मैं उस पॉटिंग मीडिया में लगा दूंगी। तो ये आराम से हमारे जो ऑर्किड हैं इसमें फ्लावर्स भी लगे हुए हैं तो ये आराम से चलते रहेंगे और इसमें से और भी शाखाएं निकलती रहेंगी। मैंने इसके लिए देखिए ये मैंने होल वाली ऐसी बास्केट ली है जिसमें कि काफ़ी होल हैं और इसको जो है प्रॉपर एयर मिलती रहेगी।
तो इसके लिए मैं करूँगी ये कि इसमें सबसे पहले तो नीचे जो है वो ये थोड़े से इसमें मैं चारकोल के टुकड़े ये डाल दूँगी। इन सबको पहले मैं मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके पॉटिंग मीडिया को मिक्स करने के बाद मैं इसमें सबसे पहले नीचे जो है वो थोड़े से ये चारकोल के इसमें पीसेस डाल दूँगी, और इसके साथ ही ये जो कोको हस्क है ये भी डालूँगी, और उसके बाद मैं इसकी जड़ों को आराम से इसमें रख दूँगी, और फिर बाद में इसको मैं पूरे ही जितना भी मेरे पास ये मैंने मिक्सचर बनाया है इससे सबसे इसको पैक कर दूँगी। और ये आराम से देखिए इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़े से ये ऐसे भर जाएगा ये, और आराम से इसकी रूट्स जो हैं वो चलती रहेंगी। तो इसकी रिपोर्टिंग में फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली हमें इसमें सॉइल का कोई भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि सॉइल मीडिया में ये नहीं होते हैं और ये इस तरीके से अपना ग्रो होता रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये ऑर्किड की जो है वो मैंने पॉटिंग कर दी है, और इसमें मैंने किसी भी प्रकार की सॉइल या रेत वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी में आराम से इसकी रूट्स जो होल हैं उसमें से निकल के उनको एयर मिलती रहेगी, और वो आराम से ये पेड़ जो है वो ग्रो होता रहेगा। अब इसकी दूसरी चीज़, मैं इसको इसमें आपको वाटरिंग का तरीका बताती हूँ। वो भी इसका स्पेशल तरीका है कि इसमें आप किस प्रकार से वाटरिंग करें। वाटरिंग करने के लिए इस प्लांट में कभी भी आप ऊपर से ओवरहेड वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसके देखिए ये जो होती हैं ये पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी, अगर इसके अंदर जो है ये वाटर यहाँ पर रह जाता है तो वो पत्तियां सड़ जाती हैं आपकी। ऊपर से कभी भी इसमें शॉवर ना करिए। इसको जो वाटर करने का तरीका है वो मैं भी आपको बताती हूँ कि इसमें हम वाटरिंग कैसे करेंगे। वाटरिंग करने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये एक पानी की ये ट्रे ली है, इसमें मैंने पानी भर लिया है, और अब इसके गमले को हम इसके अंदर रख देंगे ऐसे, और 10 मिनट तक इसके गमले को इसी प्रकार से इसमें रखा रहने दीजिए। अगर पानी आपको कम लग रहा है तो आप इसमें ऊपर से भी डाल सकते हैं ऐसे, सब तरफ से इसके इस तरह से आप भिगो दीजिए उसको। ये इसके वाटरिंग का तरीका है। 10 मिनट इस डिश में रखा रहने दीजिए, और उसके बाद इसको आप बाहर निकाल लीजिए। फिर 2-1 दिन में, आजकल ठंडक है तो 2-3 दिन में आप एक बार फिर से इसको पानी की ट्रे में रख के इसी प्रकार से ऑर्किड के फ्लावर्स की वाटरिंग की जाती है। कभी भूल कर भी इसमें ऊपर से ओवरहेड वाटरिंग मत करिएगा। अब मैं आपको इस प्लांट की फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। अगर आपके ऑर्किड के फ्लावर्स जो हैं वो फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप ऐसी या इनमें बड्स हैं जैसे कि ये दिखाई दे रही हैं, देखिए ऊपर लगी हुई ये बड्स दिखाई दे रही हैं इस तरीके से है, तो आप इसमें ऐसी खाद दीजिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो, फॉस्फोरस और पोटाश अधिक हो। वो इसमें खाद दीजिए जिससे कि इसमें बड्स और आएँ, फ्लावर्स और आएँ। और अगर आपके पौधे बहुत छोटे हैं, हरे हैं बिल्कुल, और छोटे छोटे पौधे आपने लगाए हैं, तो उनमें आप ऐसी खाद दीजिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो, फास्फोरस और पोटाश कम हो। बड़े पौधे में पोटाश और फास्फोरस से फ्लावर्स आते हैं, बड्स आती हैं, इसलिए हम उसकी मात्रा को ज़्यादा रखते हैं, और नाइट्रोजन से हरियाली बढ़ती है इसलिए छोटे पौधों में हम नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा इसके फर्टिलाइज़र की बात। तो इस प्रकार से अगर हम अपने ऑर्किड को रखें, और इसको जो है तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, वहाँ पर भी इसको छाया मिलती है, तो हमें इसे बिल्कुल सेमी बिल्कुल सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिले तो मिले, वरना हमें इसे छाया में रखना है।
ऑर्किड्स को, और ये 20-25 दिन तक फ्लावर्स ऐसे ही फ्रेश बने रहते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप वीक में एक बार मैन्योर डालिए, पर हल्का डालिए, बिल्कुल आधा चम्मच मैन्योर एक उसमें डालिए। अपने पॉट अगर बड़ा है, आधे चम्मच से ज़्यादा मत डालिए। और वीक में या 15 दिन में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र देते रहिए, पानी 2 दिन में एक बार जाड़ों में देते रहिए। ये अपने ऑर्किड के प्लांट्स आराम से चलते रहेंगे। एक बार बड़े पॉट में रिपॉट कर दीजिए तो ये प्लांट अपने बहुत सुंदर ब्लूम करते हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो और इसके पॉइंट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा ये ऑर्किड पे बना हुआ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।